मेरा नाम ममदुहा परवीन है, मैं वीडियो प्रोडक्शन की ही एक सदस्य हूँ। मुझे पहले कोई भी कहानी लिखने का किसी तरह का अनुभव नहीं था, मैं कहानी लिखने ही नहीं जानती थी। पर मैं ट्रेनिंग जब डिजिटल ग्रीन का ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे बताया गया कि किस तरह से स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है और स्टोरी को किस तरह से लिखा जाता है, किसी विषय को चुनकर एक स्टोरी किस तरह से बनाया जाता है। और जब मैं ट्रेनिंग से आई तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से एक स्टोरी बोर्ड तैयार कर ले रही हूँ और उस स्टोरी को मैं इस स्टोरी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो भी तैयार हो पा रहा है। पर जब से मैं डिजिटल ग्रीन में जुड़ी हूँ, मुझे लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, ये इस तरह का सुन के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इसके लिए मैं डिजिटल ग्रीन का थैंक्स बोलती हूँ। मेरा नाम सबूज सुल्ताना है, मैं एक सेविका हूँ, अपने गाँव की 86 है, 286 में चुनिंदा हम लोग 8 सेविका गए ट्रेनिंग में। हुआ सर, जब ट्रेनिंग लेने लगे तो हम लोग को तो बहुत कठिन लगा, क्या कैमरा उमरा थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींच लेती थी लेकिन उतना समझ में नहीं आता था। जब फिर दूसरे दिन जब ट्रेनिंग शुरू होने लगा तब फिर हम लोग को थोड़ा सा खुशी महसूस होने लगा कि आप कैमरा पकड़ रहे हैं और कैमरा पकड़ने का तरीका भी मालूम हुआ और हम लोग को शॉट मतलब 4 शॉट के बारे में बताया गया। ट्रेनिंग के ही दौरान हम लोग एक वीडियो शूट करने गए गांव में और शूट करके लाए, शूटिंग के बाद मतलब एडिट करके सर मैम दिखाई तो हम लोग को लगा ऐसा कर सकते हैं और अपने आप में गर्व हुआ कि हम लोग कितना बड़ा काम किए हैं और गांव वालों को समझा रहे हैं। जो समझाने में हम लोग को कठिनाइयाँ होती थी आप वीडियो के माध्यम से हम लोग सहज तरीके से समझा रहे हैं और हम लोग समझा के आते थे, थोड़ा देर तक ध्यान देती थी उसके बाद भूल जाती थी, आप वीडियो के माध्यम से वो ध्यान में रखती है। हम लोग देखते थे तो बोलते थे बाप रे कितना कठिन है हम लोग को ये वीडियो शूट करना, अब मुझे गर्व महसूस होता है और हम लोग डिजिटल ग्रीन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुमित्रा देवी है, मैं भी एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ। वीडियो को हम लोगों ने अपने गांव में जब दिखाया तो मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत सराहा। जब मैंने अपने एरिया की महिलाओं को वीडियो दिखाया तो बहुत खुश हुई और वीडियो देख के वो ऐसा करने लगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुई कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो महिला लोग को बुलाते थे आंगनबाड़ी केंद्र में, पहले समझाते थे तो वो लोग समझती भी नहीं थी, अब तो प्रोजेक्टर से समझ जा रही है कि बच्चा को क्या खिलाना है क्या पिलाना है सब कुछ कर रही है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्ची थी खाना पीना नहीं खाती थी, उनको खिला रही है उसका मम्मी, जैसे दिखी प्रोजेक्टर वीडियो मशीन में उसी तरह खिला रही है, तो बच्चा भी सुधार में आ रही है और बच्चा भी अच्छी है, स्वस्थ हो रही है।